But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मेडिनेस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वुल्वरीन के बारे में। आप सभी जानते हो कि फॉक्स के बाद अब डिज्नी और देन उसमें से कॉमकास्ट बीच में से हट गई है। देन सबसे बड़ी वाली बात आती है कि ये सारे कैरेक्टर जब डिज्नी के साथ जुड़ जाएंगे प्रॉपर तरीके से, जब पूरी डील कम्प्लीट हो जाएगी यानी कि मनी भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कैरेक्टर प्रॉपर राइट्स आएंगे डिज्नी के पास। देन उसके बाद अभी हाल ही में एक अपडेट कमाल का ये आया है कि अगर वुल्वरीन मार्वल स्टूडियो में जाता है तो वो दिखेगा कैसे, क्योंकि सारे जो उसके कॉस्ट्यूम थे वो सब उसकी शर्ट में, पैंट में, एक जैकेट में, यानी कि उसका कोई एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम नहीं है। और देन उसका प्रॉपर जो कॉस्ट्यूम है वो है येलो कलर का सूट। तो हाउ टू लुक लाइक वुल्वरीन इन मार्वल स्टूडियो, तो ये क्वेश्चन सबके मन में उठेगा। तो देन अभी हाल ही में एक कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुआ है जो काफी कमाल का लग रहा है, और देन ये कॉन्सेप्ट आर्ट इतना अच्छा है कि आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो फाइनली वो लुक लाइक कॉन्सेप्ट आर्ट ये है। तो ये सूट काफी जबरदस्त है और देन मैं इससे काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। देन ये सूट इतना अच्छा लग रहा है और इसमें बॉडी तो काफी ज्यादा गजब की लग रही है। और देन मुझे उम्मीद करता हूँ कि मार्वल स्टूडियो में जब वुल्वरीन जुड़ेगा उसके कॉस्ट्यूम क्या, उसकी स्टोरी पे भी ध्यान दिया जाएगा और देन इस मूवी का सीक्वल बनाया जाएगा। और देन आपको वुल्वरीन कौन सी मूवी वाला ज्यादा कॉस्ट्यूम पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर जगरनॉट की हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।